ओ, ये क्या है गाइस? यहाँ पे देख सकते हो पूरा बैटरी यहाँ पे सड़ा हुआ है। गाइस रिसेंटली मैंने दो वीडियो बनाया स्नैपडील और मीशो के ऊपर और आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया उसके ऊपर, तो आज ये वीडियो होने वाला है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आप सभी को पता है क्योंकि मैंने पोल में ऑलरेडी खुलासा कर दिया था, शॉपक्लूज ये वीडियो किसी भी तरह से शॉपक्लूज से स्पॉन्सर नहीं है। ये वेबसाइट आपके लिए नया हो सकता है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत पहले का है इस वेबसाइट का, क्योंकि मैं इससे ऑर्डर किया था आईफोन 5 5000 रुपये में, लेकिन उसके अंदर का बैटरी खट 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 हो रहा था, यानी उसका बैटरी ढीला था अंदर से। तो फाइनली आज इस वेबसाइट का खुलासा करते हैं, ये वेबसाइट कितना ऑथेंटिक है और कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो लगे हाथ में चला गया शॉपक्लूज के वेबसाइट पे एंड सर्च करना शुरू कर दिया कुछ बेहतरीन गैजेट। तो मुझे यहाँ पे 5 गैजेट दिखे जो मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें पहले नंबर पे था एक 20 वाट का फैन शेप का एक LED लाइट, जो कुछ इस तरह से होता है जैसे लगता है ये फैन ही है, बट ये आपको एक्चुअल में एक बल्ब होता है जो चारों तरफ रोशनी को फैलाता है। आप भी फैला सकते हो क्या चीज को, इस सब्सक्राइब बटन को स्प्रेड करके, यानी कि टैप करके सब्सक्राइब कर लो। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर और नीचे हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब। तो यहाँ पे मैंने 229 में से बाय कर लिया। सेकेंड जो गैजेट है ये फ्लास्क होने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल सा फ्लास्क है जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चलता आ रहा है। तो मुझे दिखा शॉपक्लूज पे एक अलग सा टाइप का फ्लास्क जहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाता है कि अभी पानी कितना गर्म है या ठंडा है। यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा है और LED इंडिकेट भी होता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसे बाय कर लिया 350 रुपये में, जो काफी अच्छा डील था। थर्ड जो गैजेट है ये 20,000 mAh का पावर बैंक है जो हमें दे रहे हैं 399 रुपये में, यानी 400 रुपये में। भाई मैं क्या बुद्धू, जो 20,000 mAh का पावर बैंक 1200 रुपये में खरीदा हूँ, वो तो क्लियर हो जाएगा जब ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। तो देरी किस बात की थी, ये 400 रुपये का पावर बैंक मैंने बाय कर लिया। चौथे नंबर पे जो गैजेट है ये एक स्मार्ट वॉच है जो आपको मिलता है जस्ट 418 रुपये में। ये चेंज हो सकता है प्राइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये राउंड डायल के शेप में है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा। इसमें आपको टाइम दिख जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाता है एंड ऐप के थ्रू इसे आप कस्टमाइज भी कर पाओगे। तो मैं इसे बाय कर लिया 418 रुपये में, काफी अच्छा डील था। आखिरी जो गैजेट मैंने शॉपक्लूज से बाय किया वो एक कूलिंग फैन है। ये नहीं, इसमें 4 पंखे लगे हैं, इसमें 1 पंखा लगा है और ये काफी कम प्राइस में हमें देखने को मिलता है 419 रुपये में। कूलिंग फैन भी है, लैपटॉप स्टैंड भी है और साथ में ब्लू कलर का लाइट भी जलता है, तो काफी अच्छा डील है। तो चलो 419 रुपये मैंने इसे बाय कर लिया। फाइनली यहाँ पे सभी गैजेट मैंने शॉपक्लूज से ऑर्डर कर दिया है। अब आपसे मिलता हूँ ये जब सारा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है फिर। ओके फाइनली लगभग 10 दिन गुजरने के बाद हमारे पास सभी गैजेट सही सलामत आ गए हैं। ऊपर से सही सलामत है, अंदर से पता नहीं, क्या पता टूटा भी हो सकता है। गाइस इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट ऑर्डर किया हूँ एक्चुअल में आया है या नहीं आया, प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्वालिटी कैसा है, इवन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे ये बताओ क्या आपने कभी शॉपक्लूज से ऑर्डर किया है कुछ और आपके पास किस तरह की कंडीशन में आए, कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे बताना। ओके ताकि मैं भी तो देखूं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को, मजा आने वाला है। पहला देखते हैं क्या निकलता है। शॉपक्लूज का यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रैपिंग किया हुआ है। Nice. तो गाइस सबसे पहले इसका कंडीशन आप देखो, बहुत ही अच्छा है, कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो काफी प्रीमियम भी लगता है एज कम्पेयर टू हमारा जो नॉर्मल फ्लास्क है। देख सकते हो यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है दिखावट में। ये देख सकते हो पुराने जमाने का लगता है फ्लास्क बोतल और ये लगता है थोड़ा सा मॉडर्न। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखने में अच्छा है, इसमें आपको मिलता है एक यूनिक सा फीचर, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है। जब आप पानी पियो उससे पहले आप टेम्परेचर देख सकते हो कितना गर्म पानी है, आराम से पीना है। तो गाइस इस चीज का टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या किया, फ्लास्क में गर्म पानी नीचे से उबाल कर लाया हूँ, इसमें फिल करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर कितना दिखाता है, फिर इसका रियल टेस्टिंग करेंगे हम ओरिजिनल थर्मामीटर से। ओके एक चीज और है, देख सकते हैं यहाँ फिल्टर के लिए भी दिया गया है जो काफी अच्छा चीज है, इसमें आपको नहीं मिलता है, काफी गर्म पानी है। ऑल राइट तो गाइस जस्ट आपको टच करना है एंड यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो कितना है, 73 के अराउंड में है। तो ये जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है आप इसमें कितना गर्म पानी रखे हो। तो गाइस इसमें जो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है ये 64 है। अब एक बार फिर से इसमें ढक्कन लगाते हैं, देख लेते हैं इसमें भी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। और गाइस इसमें आप टेम्परेचर देख सकते हो 73 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे गर्म पानी का टेम्परेचर लगभग सिमिलर आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइस इसमें डालते हैं आइस क्यूब और देखते हैं टेम्परेचर कितना जाता है।
आइस क्यूब डालने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 13 डिग्री के अराउंड में है। अब बारी है इसका रियल टेस्टिंग करने का, ये कितना सच में कोल्ड है। गाइस यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो 11 पॉइंट समथिंग आया है, तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर यहाँ पे कोल्ड का भी काफी सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ थोड़ा समय लगता है एक्चुअल टेम्परेचर दिखाने में, जस्ट बिकॉज इसका जो सेंसर है ये थोड़ा स्लो काम करता है। इसका रियल टाइम सेंसर लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको रियल टाइम टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। गाइस ये जो फ्लास्क बोतल है ये 500 मिलीलीटर का है एंड इसका जो प्राइस है ये 350 है, प्लस में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी मिलता है और साथ में काफी अच्छा बिल्ड भी है। और इसका जो बैटरी है ये चलता है 500 दिन यानी 500 डेज, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। आराम से एक साल तक यूज करोगे, टेम्परेचर वगैरह देखते रहो, थोड़ा मॉडर्न टाइप का बोतल है, यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट गैजेट यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओहो क्या कलर है, ओ यार वेट तो काफी ज्यादा है, सच में काफी गंदा दिख रहा है यार, डस्ट वगैरह, ओ माय गॉड। गाइस देख सकते हो काफी ज्यादा डस्ट लगा हुआ है इस पे। तो मैं सोच रहा हूँ इस दोनों का वेट करने का, क्योंकि दोनों 20,000 एमएच का पावर बैंक है। तो ये रखा मैं एमरेन का पावर बैंक, 423 ग्राम इसका वेट है और गाइस इसका भी वजन 423 ग्राम है, दोनों का वजन सेम है। अब यहाँ पावर देखते हैं कितना सेम है। ओके सबसे पहले चेक करते हैं पावर ऑन भी होता है या नहीं। ओ व्हाट इज दिस, ये क्या है, बैटरा क्या कर दिया ये, सारा वो बैटरी लग रहा है क्या इसमें। या गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा बैटरी यहाँ पे सड़ा हुआ है, पैसा बर्बाद। गाइस वजन यहाँ पे सिमिलर है, नो डाउट काफी अच्छी बात है, 20,000 एमएच का पावर बैंक है और ये भी 20,000 एमएच का है, तो आपको पावर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वजन आपको सेम देखने को मिल गया। बट ये देखो आप एक टाइम पे गाइस ये जो पावर बैंक है ये यहाँ पे सिर्फ पैसा बर्बादी की बात नहीं है, ये जब आपके पास आएगा जब आप इसे चार्ज में लगाओगे, आप सोच सकते हो क्या हो सकता है, अगर मान लो विस्फोट हुआ तो कितना बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा ये आपको ही नहीं पता है। मान लो ये आपके अगल बगल में रखे हो और फोन चार्ज में लगाए हो, फोन भी गया और आपका भी हाथ भी गया, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। ठीक है अब ये तो गाइस मैं चेक भी नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट है। ऑलराइट गाइस अगले प्रोडक्ट पे आते हैं। ऑलराइट ये हमारा स्मार्ट वॉच, इसका एक बार आप बॉक्स देखो, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था ऊपर से देखो पूरा सही सलामत है, अंदर से देखो कुछ ऐसा हाल में है। ओके हमारा स्मार्ट वॉच, एक केबल और स्ट्रैप। तो गाइस इसका बैटरी डाउन है, सबसे पहले इसे चार्ज में लगाते हैं, कुछ इस तरह का क्लिप वाला आपको चार्जर मिलता है, होल्ड तो काफी अच्छी तरीके से कर लिया है एंड यहाँ पे चार्ज भी होने लगा है। One hour later. ये देखो दोनों घड़ी मैंने अपने रिस्ट में बांध लिया है, ये राइट हैंड वाला घड़ी है 400 रुपए का जो मैं अभी जस्ट शॉपक्लूज से बाय किया हूँ, और ये चार्जर का घड़ी, अब देख के बताओ दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। देखने से तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये 400 का है और ये 4000 का है, लेकिन फीचर में बहुत ही डिफरेंट है। ये जो 400 रुपए का स्मार्ट वॉच है इसमें आपको डेफिनेटली फुल टच स्क्रीन तो देखने को नहीं मिलेगा, एक टच बटन है इसे ही आपको करके ऑपरेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो इसका डिस्प्ले है जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही बेकार है एंड यहाँ क्वालिटी वगैरह ठीक है यार, 400 रुपए के हिसाब से कुछ डैमेज भी नहीं था और यहाँ पे सारा चीज अच्छा है, बट यार फीचर वगैरह बहुत ही गंदा है। टाइम भी देखने के लिए आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बैटरी का बात करूँ तो आपको बैटरी यहाँ पे लगभग आपको 3-4 घंटे का देखने को मिलेगा, ये भी श्योर नहीं हूँ कितना चलेगा, क्योंकि चलेगा नहीं भी चलेगा क्योंकि ये चालू कंपनी का है। तो गाइस ये जो स्मार्ट वॉच है मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल ही बाय मत करो, ये भले कितना भी अच्छा कंडीशन में है लेकिन 400 रुपये में आप चाहो तो नॉर्मल सा जो वॉच आता है वो बाय कर लो, एटलीस्ट हमेशा समय देख सकते हो, अच्छा दिखता भी रहता है तो आप वो बाय कर लो, नहीं तो 1000-1200 में तो आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल किसी ब्रांड का आप ले सकते हो जिसमें आपको वारंटी वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये देख सकते हो इस पे शॉपक्लूज का कोई भी रैपिंग नहीं किया गया है, बट कोई नहीं चलो। ऑलराइट ये हमारा 20 वाट का बल्ब, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना छोटा सा डब्बा में होगा यार। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसका टेप यहाँ पे कटा हुआ है, तो यानी ये बॉक्स ओपन हुआ है इससे पहले भी, चलो कोई नहीं प्रोडक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, अंदर से तो नया लग रहा है, कोई डैमेज भी है क्या, नहीं डैमेज तो कुछ नहीं है। और ये देखो मैजिक लिटरली गाइस काफी कूल सा लग रहा है ये तो। अब इसे टेस्टिंग करते हैं ये लाइट जलता भी है नहीं जलता है, ये 20 वाट का एलईडी बल्ब है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ ब्राइटनेस काफी अच्छा है, मतलब ठीक है यार थोड़ा सस्ता वाला जो लाइट आता है ना एलईडी बल्ब कुछ उस तरह का क्वालिटी है, आपको फ्लिश जैसा क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा यार, प्राइस भी तो काफी कम है। यहाँ पे देख सकते हो एक चीज और, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, फैन की तरह बना सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर दोगे तो लाइट कम फैलेगा और पूरा ऐसे कर दोगे तो लाइट काफी अच्छा फैल जाता है, तो काफी अच्छा है। तो ये तो काफी अच्छा है कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके डब्बा पे आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो आप, इसके डब्बा पे आप देख सकते हो 150 वाट्स लिखा है और मैक्सिमम 8 घंटा, ये क्या है मतलब, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या है यार, क्या है ये 8 घंटा, न रिचार्जेबल है, चाहता है मैं इस पे टाइम वेस्ट करूं। ये है लास्ट गैजेट,
तो काफी बड़ा सा लग रहा है। मुझे पता है इसमें क्या है, आपको ही पता है आप इसमें क्या है, क्योंकि सारा गैजेट तो खत्म हो गया, तो लास्ट तो यही बचा। गाइस इस प्रोडक्ट में कुछ भी डैमेज नहीं है, काफी अच्छे कंडीशन में है, पूरा नया का नया है जैसा देख सकते हो। और गाइस यहाँ बिल्ड क्वालिटी में बोलना चाहूंगा, मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है, ज्यादा हेवी नहीं है और ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी का यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया है। ये लैपटॉप स्टैंड भी है और कूलिंग फैन भी है, इसे आप कुछ इतने हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो। इस पे आप 15.6 इंच तक का लैपटॉप रख सकते हो, काफी ड्यूरेबल तो नहीं है लेकिन आपका काम चल जाएगा। एक बड़ा सा यहाँ पे फैन लगा हुआ है और इसमें एक ब्लू कलर का लाइट जलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इसका जो केबल है इसमें आप देख सकते हो, एक आपको मेल और एक फीमेल यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप अपने इसे लैपटॉप पे लगाते हो तो एक पोर्ट यहाँ पे बिजी हो जाएगा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, यानी यूएसबी वगैरह आप लगा सकते हो या माउस लगा सकते हो। गाइस इसका जो फैन का स्पीड है ये काफी कम है। और एक चीज मैं नोटिस किया, इसका जो एडजस्ट करना है ये बस आप एक ही हाइट पे कर सकते हो, यानी कि बस इतना ही, इसे आप ना बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो तो कर सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन फिर क्या फायदा, एक ही हाइट यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ठीक है यार, 400 में आपको दोनों चीज देखने को मिल रहा है, कूलिंग प्लस स्टैंड। फाइनली गाइस बात करते हैं कंक्लूजन का कि मेरा शॉपक्लूज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट मैंने रिव्यू कर लिया है, देख लिया है किस तरह का है। देखो मेरा एक्सपीरियंस पूरा का पूरा सही जाने ही वाला था कि बीच में ही इस तरह का चीज देखने को मिल गया। गाइस ये एक बॉम्ब से कम नहीं है, अगर ये फट जाए ना तो आपका हालत खराब कर देगा। इसके वजह से मुझे शॉपक्लूज का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, इनका कुछ प्रोडक्ट है जो काफी अच्छा है, देखो बजट फ्रेंडली है। ये जैसे फ्लास्क बोतल है आप देख सकते हो, 350 रुपये मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी का है। इसके बाद ये देखो आप, ये जो फैन वाले में आपको बल्ब देखने को मिलते हैं, ये जेब्रोनिक्स का जैसा देख सकते हो कूलिंग फैन है। अब ये जो स्मार्ट वॉच है ये भी 400 रुपये का है, लेकिन देखो सभी जगह 400 ही मिलता है, इस पे भी आपको 400 मिल जाता है। तो मैं बोलना चाहूंगा सभी चीज ठीक है, लेकिन यार इस तरह का जो क्वालिटी सब है ना, इसके वजह से नाम खराब होता है। आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के जो सेलर है उसको रिमूव करो और नाम अच्छा बनाओ, मेरा ये कहना था, आगे आपकी मर्जी। अब गाइस आप बताओ कि आप शॉपक्लूज से बाय करोगे कोई प्रोडक्ट या नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपसे मैं मिलता हूँ एक फिर इंटरेस्टिंग मसालेदार वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।